पाकिस्तान में बैठे आका जिनकी आतंकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, जिनके भारत विरोधी नापाक मंसूबों पर सर्जिकल स्ट्राइक पड़ चुकी है, वो लोग आजकल हिंदुस्तान के कुछ मोदी विरोधी लोगों की तारीफ करके अपने अच्छे दिन वापस आने के सपने देख रहे हैं। जैसे कि इस पाकिस्तान के इमाम को ही सुनिए, वो ध्रुव राठी के लिए दुआएं मांग रहा है। इंडिया में एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी हाफिज़हुल्लाह तआला मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उनके लिए सच्चाई का रास्ता जो है वो आसान कर दे, आमीन। इंडिया में भी जो हिंदुओं के अंदर भी बाबा हजरात मौजूद हैं, उन बाबाओं को वो बड़ा नंगा करते हैं। इस हवाले से तो मुझे एक खास अकीदत है उनके साथ, मिशन एक है बाबों को नंगा करना। पिछले कुछ हफ्तों में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में, बागेश्वर बाबा। आप पूछोगे कि क्या खासियत है इन बाबा की, तो भाई बताया जा रहा है कि चमत्कारी तरीके से ये बाबा लोगों की प्रॉब्लम्स समझ लेते हैं और बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस देते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर। इसी तरह से पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन भी राहुल गांधी की तारीफ करते थक नहीं रहे। ट्विटर पे उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी में अपने परदादा जवाहरलाल नेहरू की तरह एक समाजवादी भावना दिखती है। विभाजन के 75 साल बाद भी भारत और पाकिस्तान की समस्याएं एक जैसी हैं। लो गाइस, इन्हें आज भी ये लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक जैसे हैं। इससे पहले भी फवाद हुसैन राहुल गांधी की तारीफ कर चुके हैं। राहुल की तारीफ में उन्होंने एक्स पर राहुल के भाषण का एक वीडियो पोस्ट किया था और लिखा था राहुल ऑन फायर। इससे साफ है कि पाकिस्तानी कितना चाहते हैं कि कांग्रेस आए और राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो। अगर आप भी शेयर मार्केट में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और शेयर मार्केट के बेसिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरी बुक द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की मदद ले सकते हैं, पर इससे पहले आप डीमैट अकाउंट ओपन जरूर करवा लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आज से शुरू कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी, मिलता है अगली वीडियो में।